गाइस, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है जावास्क्रिप्ट का वो है ES6 ऑब्जेक्ट्स। सो बेसिकली ऑब्जेक्ट्स कैसे यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो आज हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो इट्स द फर्स्ट थिंग, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। सो वेरिएबल विच इज़ ऐसे कोर्सेज के अंदर जो मेरा ऑब्जेक्ट होगा, उस कोर्सेज में मैं क्या कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी ले रहा हूँ विच इज़ कॉल्ड नेम, एंड देन सो मैंने नाम दिया एंगुलर। ओके, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे एक मेथड ले लेता हूँ। सो द कोर्स विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड फंक्शन, सो एज ए कोर्स डिटेल्स, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे एक एनोनिमस फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, सो इन टर्म्स अगर आप लैंग्वेज के हिसाब से बात करें, इन अदर लैंग्वेज के हिसाब से बात करें, तो अगर कोई फंक्शन इनसाइड ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन होता है तो उसे हम एज अ मेथड डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, जब अगर किसी मेथड को अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको यूज़ करना है, सो वो सिनारियों में आप कुछ ऐसे फंक्शन को आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। बट ES6 में इसका बेटर अप्रोच है, जो आप इसको डिफाइन कर सकते हो, रेदर देन यूजिंग दिस एनोनिमस फंक्शन, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, विदाउट फंक्शन नेम आप उसको यूज़ कर सकते हो। सो इन दिस केस जो मेरा कोर्स डिटेल है, कोर्स डिटेल्स जो है वो मेरा मेथड नेम हो गया, राइट। सो इन दिस केस व्हाट आई एम डूइंग, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग पास कर देता हूँ। सो ऐसे मास्टर इन एंगुलर काइंड ऑफ, ठीक है। सो अगर ये प्रॉपर्टी और मेथड को मुझे एक्सेस करना है आउटसाइड, तो कैसे इसको एक्सेस करेंगे। सो लेट्स इमेजिन कि मुझे नेम प्रॉपर्टी प्रिंट करना है, सो ऐसे कंसोल डॉट लॉग देन कोर्सेज, दैट शुड बी कोर्सेज डॉट नेम, राइट। और उसके बाद मैं कॉल करता हूँ कोर्सेज डॉट कोर्स डिटेल एज अ मैथड। ठीक है, सो नाउ इफ आई कॉल दिस थिंग, इफ आई रन दिस प्रोग्राम, सो एज यू कैन सी कोर्सेज नेम जो मेरा एंगुलर आ गया, मास्टर इन एंगुलर जो ऐसा मैथड था। ठीक है, अब ये जो अप्रोच है, जो ऑब्जेक्ट है, उसको एक अनदर वे से भी आप उसको यूज़ कर सकते हो ES6 में, दैट इज़ कॉल अ ब्रैकेट नोटेशन। सो ब्रैकेट नोटेशन कैसे कॉल करना है आपको कैन शो यू। सो उसके बाद क्या करना है आपको, कोर्सेज, ओके, यू कैन राइट लाइक दिस वे, कंसोल डॉट लॉग्स, देन मैंने आप लिखा कोर्सेज, देन ब्रैकेट, देन स्ट्रिंग के अंदर कॉल दैट प्रॉपर्टी मेथड, जो प्रॉपर्टी मेथड आपको कॉल करना है आप उसको डिफाइन कर सकते हो। सो नाउ वंस आई रन दिस लाइन एंड एज यू कैन सी यू गेट अनदर वैल्यू हियर, सो दिस इज वी कॉल अ ब्रैकेट नोटेशन। सो बेसिकली ब्रैकेट नोटेशन ये जो वाइडली यूज होता है कि अगर कोई डायनामिक वैल्यू, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी मेथड का बाइंड करना है, जो विच इज़ यू डोंट नो, आपको पता नहीं कि कौन सी डायनामिक वैल्यू कॉल होने वाली है, सो वो सिनारो में क्या कर सकते हो कि आप ब्रैकेट नोटेशन ऑब्जेक्ट जो है वो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट ES6 ऑब्जेक्ट। सो आई होप कि ये कोर कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आया रहेगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।